दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार कप्तान और खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल के फाइनल मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करके रचा आईपीएल में इतिहास, जिताया अपनी टीम को डेब्यू सीजन में आईपीएल का खिताब। इसके बाद हार्दिक पांड्या के इस तरह के शानदार प्रदर्शन को देखकर मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन काफी खुश हैं और उन्होंने खुशी खुशी में हार्दिक पांड्या पर कुछ ऐसा बयान जारी किया जिन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ साथ वाकई में सभी के दिल ही जीत लिए। दोस्तों, आईपीएल के फाइनल मुकाबले के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मंच सजा। इस मंच में इस आईपीएल की दो बड़ी टीम गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल्स की टीम की कांटे की टक्कर हुई। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी थी, लेकिन गुजरात टाइटन की टीम के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम के सभी बल्लेबाज घुटने टेकते चले गए और एक के बाद एक करके आउट होते रहे। हम आपको बता दें, कप्तान हार्दिक पांड्या ने राजस्थान रॉयल्स के तीन बड़े और धाकड़ बल्लेबाज संजू सैमसन, सिमरन हिटमायर और जॉस बटलर का विकेट लिया और गुजरात की टीम के सामने 131 रनों का टारगेट ही सेट कर पाई। जवाब में बल्लेबाजी करने के लिए आई गुजरात की टीम की भी शुरुआत तो इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि पावर प्ले से पहले ही इनकी टीम के दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या ने 34 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर ये मुकाबला अपनी टीम की झोली में डाल दिया और अपनी टीम को इस साल का चैंपियन बना दिया। गुजरात की टीम के आईपीएल में चैंपियन बनने पर इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या पर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि आज हार्दिक पांड्या ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया है और हम सबको अपना दीवाना बना लिया है। इन्होंने अकेले दम पर अपनी गुजरात टाइटंस की टीम को इस मुश्किल लग रहे मुकाबले में जीत दिलाई है। मुझे पता है फाइनल का अलग ही दबाव रहता है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस दबाव को झेलकर अपनी टीम को जीत तक ले गए, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने भी इन पर बड़ा बयान जारी किया है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम के लिए खेला करते थे तब भी वो इसी प्रकार का प्रदर्शन करते थे। मुझे पता है कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत काबिलियत रखते हैं। मैं आज हार्दिक पांड्या के इस तरह के प्रदर्शन से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार हार्दिक पांड्या ने प्रदर्शन किया है उसी प्रकार से ये अपनी टीम गुजरात के साथ जुड़कर ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी टीम को चैंपियन बनाते रहेंगे। इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम के दूसरे खिलाड़ी ईशान किशन ने भी हार्दिक पांड्या और गुजरात टाइटन की टीम की जीत पर बड़ा बयान जारी किया है। इन्होंने बताया कि आज हार्दिक पांड्या ने अपने अकेले दम पर अपनी टीम गुजरात को ये मुकाबला जिताकर इनको आईपीएल 2022 का चैंपियन बना दिया है। हार्दिक भाई ऐसा करने वाले पहले आईपीएल के कप्तान बन चुके हैं, ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हार्दिक पांड्या को इनके आने वाले कप्तानी के करियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, ये थे मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के हार्दिक पांड्या के बेहतरीन प्रदर्शन पर बड़े बयान। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप इस फाइनल मुकाबले में हार्दिक पांड्या के शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।